टीचर के पास जो अनुभव होता है वो किसी के पास नहीं होता, आपके किसी दोस्त के पास वो अनुभव नहीं होगा जो टीचर के पास होगा। अब आईएएस एक ऐसा पद है जहाँ पर इंसान के पास पैसा भी है, पैसे के साथ पावर भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार में, यहाँ पे मिले हैं हमें कुछ एस्पिरेंट। आइए चलिए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं आखिर किस तरीके से करते हैं ये तैयारी। हेलो भैया जी। हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज है जी। कहाँ के रहने वाले हैं जी? मैं अलीगढ़ मथुरा यूपी से रहने वाला हूँ जी। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भैया, कितने दिनों से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? हमको 2 साल हो गई। 2 साल जी। 2 सालों में आपको खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है? देखिए, यूपीएससी का एक्सपीरियंस होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। सक्सेस तो बाद की बात है, लेकिन ये सच कहा है, हमारे डॉक्टर देवकीर्ति सर भी कहते हैं कि इंसान को एक बार लाइफ में यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि इसे करने के बाद इंसान बहुआयामी परिवर्तन अपनी लाइफ में महसूस करता है जी। हर एंगल पर वो अपना एक डेवलपमेंट महसूस करता है, उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि वो हर मुद्दे को एक अलग नज़रिए से देख सकता है, उसकी पर्सनैलिटी सामान्य नहीं रहती। तो हमने यही महसूस किया है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या 12th में होते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका होता है, जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग होती है, वो बड़ी सामान्य सी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना, हम एक स्पेशल टीचर से मिलते हैं जो अपनी विषय का महारत हासिल किए होते हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ हज़ारों बच्चों से हम मिलते हैं, एक दूसरे से सबकी दोस्ती हो ही जाती है। तो हर क्षेत्र का यहाँ एक स्टूडेंट होता है, भारत के हर एक तरीके से भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ एक व्यक्ति आता है, वो अपनी कल्चर से, अपनी सोसाइटी से, अपने अंदाज से, हमें अपनी आदतों से, अपने फिलोसफी से हमें इफ़ेक्ट करता है, असर डालता है। तो बहुत से परिवर्तन होते हैं, सक्सेस तो बाद की बात है। भैया किस इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं दृष्टि द विजन डॉक्टर विकास देवकीर्ति जी। और आप भैया? मैं भी दृष्टि से ही कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो और वो अभी ग्रेजुएट होके मुखर्जी नगर आना चाहता हो जी, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या तैयारी करके वो आए जिससे उसको मुखर्जी नगर आने के बाद समस्याओं का सामना ना करना पड़े? देखिए, ये काफ़ी अलग प्रश्न है, इसको मैं लायक नहीं समझता जवाब देने के, क्योंकि ये हमारे देवकीर्ति सर हैं, मणिकांत सर हैं, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। फिर भी मैं अपनी लाइफ से जोड़ के देखूं तो देखो, आपको 12th की सामान्य समझ होनी ही चाहिए। आप ईमानदारी से, अगर आपने 12th की पढ़ाई की और आप ईमानदारी से ग्रेजुएशन की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो सफिशियंट है, कोई विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती या विशेष टॉपर की आवश्यकता नहीं होती कि आप 95 प्लस हों या आप 90 प्लस हों। सामान्य इंसान होना चाहिए, दिल खुश इंसान होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और दूसरों के लिए सोचने वाला होना चाहिए, काफ़ी है। बाकी तो मेहनत यहाँ सब करते हैं। देखो, एक अनजान इंसान भी यहाँ आके पढ़ता है तो यहाँ जो कोचिंग में पढ़ाई कराई जाती है ना, वो इतने बेसिक से शुरू कराया जाता है कि सब लोग इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, सब आसान सी चीज़ें हैं। लेकिन कठिन इसलिए हो जाती हैं कि हम यहाँ आके ईमानदारी में पढ़ाई नहीं करते हैं। बेसिक बात तो ये है, हम यहाँ के नहीं पढ़ते। अच्छा, ऐसा क्या कारण है भैया कि यहाँ पे आने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, सब चीज़ होने के बाद भी यहाँ पे आके नहीं पढ़ाई करते हैं? देखो, यहाँ पे आके हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, इसके बहुत से रीज़न है। पहली बात तो यहाँ के इंसान स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। पहला जो मैंने महसूस किया है, यहाँ हम लोग आते हैं गांव से, थोड़ी सी हमें एनर्जी ज़्यादा होती है यहाँ की तुलना में, तो हम शुरुआत के कुछ महीने इतना पढ़ते हैं कि फिर अपने हेल्थ को ही दे बैठते हैं। अच्छा, तो हेल्थ जैसे 6-7 महीने बाद ख़राब होती है तो फिर उससे डिस्टर्ब। दूसरा होता है कि यहाँ का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या दोस्ती का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि सब लोग खुले हुए हैं, तो दोस्ती के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं। अच्छा, ये भी हमारे साथ होता है, तो हम दोस्ती में कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, डेली दोस्तियाँ निभाते हैं, डेली चाय पर चर्चा होती है, डेली ये सब चीज़ें शायद मुझे लगता है कि रुकावट है हमारी लक्ष्य प्राप्ति में। तो अभी तक तो शायद हम तो बचे हुए हैं, आगे पता नहीं क्या है। भैया सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में? यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में मेरे हिसाब से, मैं अपने से रिलेट करके देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है ना, जैसे घर की स्थिति, घर के कोई मुद्दे जो, और यहाँ की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही इतनी लंबी है कि यहाँ कोई एक सुनिश्चितता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही या नहीं होगा, तो जो मेंटली प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आती है। अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है, वहाँ से एकदम स्ट्रांग होकर आता है कि करना है तो यही करना है वरना कुछ नहीं, तो इस तरह से अगर वो लेकर चले अपनी लाइफ को तो मुझे लगता है उसकी संभावना थोड़ी अधिक रहेगी,
क्योंकि अगर यहाँ आकर वो अपने साथ दो दो ऑप्शन रखता है, तीन ऑप्शन रखता है कि इसके यूपीएससी के साथ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर वो यहाँ यूपीएससी में इतना सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ फुल डेडिकेशन चाहिए। और भाई ने जैसे अभी बताया कि हेल्थ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बीच बीच में जैसे ही कंटिन्यूटी बनने को होती है वो वैसे ही उसको डेविएशन मिल जाता है। हेल्थ गई तो दो चार दिन क्लास नहीं जा पाया, छूट गया, जो पढ़ाई की एकदम कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो टूट गई, फिर से बनानी पड़ती है। और जो फ्रेंडली यहाँ का एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा अपने आप पर दृढ़ता के साथ आना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी तो सब यहाँ पे चलता ही है। जैसे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करने आ रहा है तो वो कोचिंग से कितना डिस्टेंस पे रहे जिससे कि उसका बहुत ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो और ये तैयारी भी सही तरीके से हो जाए। देखो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो उसे यहाँ नेहरू विहार में उसकी क्लासेज चलती हैं वर्धमान में, और नेहरू विहार का और क्लासेज का कोई ज़्यादा डिस्टेंस है, नेहरू विहार में आपको कहीं भी रूम ले लो आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन आप कहीं अन्य से आते हो, ट्रैवल करके आते हो, तो फिर तो ठीक नहीं है। आपको कम से कम टाइम वेस्ट हो ऐसा स्थान चयन करना चाहिए जो कि नेहरू विहार और ये हमारा पड़ोस में गोपालपुर है, ये परफेक्ट। नेहरू विहार में कितने का रूम मिलता है, रेंट नॉर्मल रेंट कितना होता है नेहरू विहार? नॉर्मल रेंट यहाँ 7,000 से 10,000 के बीच में। अच्छा। आपको नॉर्मल 7,000 से शुरुआत होती है, 10,000 रुपये तक का रूम मिलता है। अच्छा भैया, एक महीने में औसतन कितना पैसा खर्च हो जाता है एक एस्पिरेंट का? अब देखिए एक रूम में दो लोग रह सकते हैं, मान के चलिए 8,000 रुपये का रूम है तो 4,000 पर व्यक्ति हो गया, 4,000 का रूम, लगभग 4,000 रुपये का खाना मान के चलिए आप, 4,000 रुपये का खाना हो गया, और उसके बाद लाइब्रेरी का खर्चा मान लीजिए 2,000 रुपये का मंथली, 10,000 हो गए, 2,000 रुपये की बुक्स पेंसिल्स ऐसा खर्चा 12,000, और 2,000 रुपये यार फिर नॉर्मल अपना जूस वूस पीते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं, तो 14-15 हज़ार रुपये में। अच्छा भैया, दिन भर में कितना घंटा कुर्सी पे बिताते हैं आप? अब ये देखो डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग वो फेज करता है, फेज मैटर करता है। कुछ बच्चे जैसे अगली साल के लिए तैयारी करते हैं तो वो अभी कम पढ़ते हैं, कुछ एकदम रीसेंट, अब रीसेंट जैसे प्रीलिम्स आ रहा है बच्चों का 28 मई को, तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा ये मान लो कोई भी हो, क्योंकि सबको एग्जाम क्लियर करना है। और व्यक्तिगत तौर पर देखोगे तो मेरा भी यही है, अब तक मैं उस तरह से नहीं पढ़ा लेकिन अब मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम पर कि आपको एग्जाम कब देना है, तो उससे कम ज़्यादा होता है। जैसे कि 2 महीने बाद मई में प्री है यूपीएससी का, तो उसके लिए अभी से आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं अपना प्री की तरफ? देखो सबसे मुख्य होता है जो हमारी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, टीचर्स हमसे पैसे लेते हैं तो वही पढ़ाते तो हैं, टीचर्स हमें बताते भी हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। तो पहली बात तो जो हमारे टीचर्स हमें बता रहे हैं तो मैं खुद से भी ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं भी और कोई भी वो खुद से प्रॉमिस करे कि टीचर का बताया ज़रूर पढ़ना है। टीचर के पास जो अनुभव होता है वो किसी के पास नहीं होता, आपके किसी दोस्त के पास वो अनुभव नहीं होगा जो टीचर के पास होगा, क्योंकि पहली बात तो टीचर ने वो एग्ज़ाम भी दिया है, टीचर उस एग्ज़ाम के संबंधित बच्चों को पास भी करा रहा है, टीचर के पढ़ाए पास भी हो रहे हैं, टीचर ऐसे हज़ारों बच्चों से भी मिल रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। लोग मैंने देखा है, मैं अपने दोस्तों को देख इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोग टीचर पर बिलीव नहीं कर रहे हैं और इसीलिए पास नहीं हो रहे हैं। टीचर पर ज़रूर बिलीव कीजिए और टीचर जो पढ़ाए उसे ईमानदारी से पढ़िए। आपको देखो मैंने ये महसूस किया है कि आपको 12 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। प्री के लिए 12 से 15 घंटे तो हर कीमत पे पढ़ना पड़ेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। एक एक घंटे करके पढ़िए, दो दो घंटे करके पढ़िए, पाँच पाँच घंटे करके पढ़िए, लेकिन 12 घंटे कम से कम और 15 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं जो सर ने बताया उसको पढ़ते हैं, अपनी क्लास फॉलो करते हैं, मैगजीन्स फॉलो करते हैं। अब यही है भाई, पता किसी को कुछ नहीं है कहाँ से क्या आता है। अच्छा भैया, सही तरीके से आंसर राइटिंग कैसे करते हैं? आंसर राइटिंग के लिए देखो सबसे पहले ये है कि आपकी बेसिक्स और आपका जो सिलेबस हो चुका है उसको कम से कम 2 से 4 बार रिवीजन हो चुका हो। और आंसर राइटिंग देखो मेन चीज़ प्रैक्टिस का खेल है पूरा का पूरा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो लेखन कौशल है वो उतना ही सुधार दिखाएगा। और उसमें वैल्यू एडिशन का एक प्रमुख रोल होता है कि आप देखो प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो लेकिन वैल्यू एडिशन कहते हैं कि उसका कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो क्या अपनी तरफ से, या किसी और सोर्सेज के थ्रू उसमें कुछ ऐड कर सकते हो क्या। तो आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है वैल्यू एडिशन। एक बेसिक उत्तर तो सभी लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में सारे बच्चे जो प्रश्न पूछा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे जो पढ़ाया गया है क्लास में, लेकिन ऊपर वही आता है जो वैल्यू एडिशन अच्छा करता है। अच्छे मार्क्स उसी को मिलते हैं जो वैल्यू एडिशन अच्छा करते हैं।
इस वैल्यू एडिशन को कैसे एनहेंस करते हैं उसके बारे में बताइए। वैल्यू एडिशन के लिए यही है कि आपकी सबसे पहले समझ अच्छी है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे कोई मैगजीन से, कोई वेबसाइट से या किसी भी सोर्स के थ्रू, उसी से रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोई रिपोर्ट आई है किसी की, कोई भी संस्था हो या इस प्रकार के जो वैल्यू एडिशन किए जाते हैं, उनसे जो उत्तर होता है उसकी क्वालिटी बढ़ती है, जो अच्छे आपको मार्क्स दिला सकता है। अच्छा भैया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या कोई डिफरेंस होता है? देखो, मैं तो बेसिकली हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तो ये तो बोलूँगा ना इंग्लिश मीडियम अच्छा है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जो कंटेंट होता है, जो पढ़ने के लिए उपलब्धता होती है, वो इंग्लिश वालों के पास थोड़ी ज़्यादा होती है हिंदी मीडियम की तुलना में। और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी बोला जाता है कि जो UPSC एग्ज़ाम बनाती है, हमारे पेपर बनाती है, पेपर शीट, वो इंग्लिश में बनता है तो हिंदी ट्रांसलेट होती है, हिंदी का एग्ज़ाम जो है, हिंदी का पेपर ट्रांसलेट होता है, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकली वर्ड्स का इश्यू आ जाता है कि इंग्लिश में जो मीनिंग है वो यथार्थ मीनिंग नहीं निकल के आता है। थोड़ा थोड़ा ये भी सुनने में आता है कि जो एग्ज़ाम चेकर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो हमारे कॉपी चेक करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं अधिकांशतः टीचर, क्योंकि हायर जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही है भारत में, तो उनका जो मेंटलिटी है वो इंग्लिश की बनी होती है। तो हिंदी की वैसे ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता ही है कि इंसान सब कुछ इंग्लिश में पढ़ रहा है तो वो हिंदी की अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाता। तो ये कम से कम ये हमारे लिए सुविधा हो कि हिंदी वालों की कॉपी हिंदी बैकग्राउंड के टीचर ही चेक करें तो शायद एक दो नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। और कंटेंट का तो मामला है ही भाई, कंटेंट हम लोगों को कम मिल पाता है, कम चीज़ों की हमें जानकारी हो पाती है, सारी न्यूज़, सारी इंटरनेशनल न्यूज़ सब इंग्लिश में होती हैं, और विदेशों की जितनी न्यूज़ आती हैं वो इंग्लिश में आती हैं, मिलता भी है तो ट्रांसलेट होकर मिलता है, जिसका वो भाव बदल जाता है जो रियल में होना चाहिए। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम तो होती है। क्या यही कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है? सिर्फ यही कारण नहीं है, उसके भी दो तीन कारण है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो रटने वाला हुआ है। आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी तो क्या होता था कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमारे मेरे हाई स्कूल तक जो मैंने फील किया है कि इम्पोर्टेंट पे टिक लगवा दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और उनको रटवा दिया और हम पास हो गए। मेरे साथ तो यही हुआ है भाई, और अब भी शायद यही हो रहा है। कुछ सोचने का कभी दिया ही नहीं गया, कुछ अलग से करने को कभी दिया ही नहीं गया, लेकिन CBSE बोर्ड में, इन बोर्डों में क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा है UP बोर्ड की तुलना में, और यहाँ क्रिएटिविटी ही मेन है IAS में। जो इंसान क्रिएटिव जितना हो सकता है वो इतना ही अच्छा आंसर राइटिंग कर सकता है, इतना ही अच्छा लॉजिक लगा के अपने प्री के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। तो ये मुद्दा है कि हम क्रिएटिविटी नहीं है हमारे पास। हाँ, दूसरा है कि मेहनत नहीं करते। अच्छा। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, ये सच है, कहीं ना कहीं, कहने को कोई कुछ भी कहो जी। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से आते हैं, चमक दमक की दुनिया है, यहाँ हर तरीके की चमक मिलती है हमको, हर तरीके का माहौल मिल रहा है, पार्टियाँ हो रही हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं यार, कोई कहने को कुछ भी कहे, मुझे तो लगता है कि नहीं पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, धन्यवाद, थैंक यू।